देना पड़ेगा. But let's come back to the larger question. Vivek Srivastava, all of you have been opposing the work for reform. Look at the result here. Will you still oppose the work for reform? Yes. What is the result? Of course, I'll oppose. The work is a good concept, and it was a concept which almost every member parliament who was a Muslim opposed when the work concept came, because nobody wanted a government control in religion. And it was an instrument through which the government of India and the state governments could have a say. And that is what the Waqf is all about. Uska ek galat picture aap log de rahe hain. That's what I feel. And nee, number two, matlab? I mean, you have to understand one thing. Ye aap log kaun hai? Ji, aap log matlab ye BJP. Are, Congress ke mantri ne bola hai ki illegal hai mosque. Aap to patrakar hain. Aap to neutral hain. Nahi, wo, koi mantri badbola nikal jaye, to uske liye puri Congress party ko thodi na aap hang karoge. ये बीजेपी की सरकार थी, द मस्जिद वॉज देयर, क्यों नहीं हटाई, क्यों पढ़ने दिया. दूसरी बात, इस देखिए, आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट, सर मेरी बात सुनिए, रोहिणी, द्वारका, गाजियाबाद, नोएडा, गिना देता हूं आपके आसपास की जगह, प्लीज टेक योर कार एंड रोम अराउंड, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ मजार्स एंड टेम्पल्स विच हैव कम अप ऑन द पेवमेंट्स, दोज पेवमेंट्स जिनकी वैल्यू करोड़ में है अगर आप प्लॉट खरीदेंगे. लेकिन ऐसे ही ये देश चला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया दिल्ली को लेकर के, और एमसीडी को डायरेक्टिव है सारे मंदिरों को तोड़ो. अब आप 10-15 साल 20 साल पुराने मंदिर को रोहिणी में, द्वारका में तोड़ेंगे? लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, लोग रोज आ रहे हैं, घेरी हुई है आधी रोड, मैं दिखा दूंगा. लेकिन इन दिस कंट्री यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आइदर डू नॉट लेट द स्ट्रक्चर्स कम, एंड वंस द स्ट्रक्चर्स हैव कम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड सडनली द हिंदुत्व ब्रिगेड वेक्स अप एंड सेज वी आर गोइंग टू वेयर अ भगवा स्कार्फ. विवेक श्रीवास्तव, The problems are on multiple fronts. आपने the बोला मस्जिद क्यों should नहीं remain हटाई? Where it is. मिनट नहीं विवेक, the मस्जिद should remain where it is. जी, मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है जी. उसको आप मंदिर मस्जिद मत देखिए, वो स्ट्रक्चर है, और अगर इलीगल है तो हटनी चाहिए. हर्षवर्धन जी चार बार कह चुके हैं, दो बार मैंने बोल दिया, कांग्रेस के मंत्री और एक मंत्री नहीं है, दो मंत्री है. हर्षवर्धन जी यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल, हाँ, अभी आपने बोलते हाँ, बोलते ये कहा कि भाजपा ने क्यों नहीं हटाई, नहीं, 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 तो आप समर्थन में है ना, अगर कुछ इलीगल है तो हटनी चाहिए जी? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो फिर क्यों बोल रहे थे आप? सर मैं समर्थन में हूं क्योंकि इस देश के अंदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स चाहे मैं तो बड़ा क्लियर बोलता हूं, मैं डिप्लोमेटिक आदमी नहीं हूं, इस देश के अंदर दिल्ली शहर के अंदर मंदिर पेवमेंट घेर घेर के बड़े बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, 200-500 जितने भी इल्लीगल मंदिर भी है, आप एक प्लॉट खरीदेंगे, इल्लीगल मंदिर पे भी बुलडोजर चला है, तो वो अलवर से लेके, एक मिनट, अलवर से लेके उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, सब जगह. आप अगर चाहेंगे पूरा लिस्ट तो मैं पढ़ दूंगा, हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन आपको पता है, आप गूगल कर सकते हैं, अपनी टीम को पूछ सकते हैं, या तो मुझे फैक्ट चेक कर सकते हैं. इलीगल मंदिरों को भी तोड़ा गया है क्योंकि वो इलीगल है, वो स्ट्रक्चर है, मंदिर बन चुका है कोर्ट के लिए या सरकार के लिए, वो मंदिर मस्जिद नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर होती है. हर्षवर्धन जी, हम डिबेट में आगे नहीं बढ़ रहे, हम एक ही सवाल पे, जब इतने अलग अलग वर्जन हमने सुन लिए हैं. अब वो पहले पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने क्यों नहीं हटाया, जब मैंने सवाल पूछा तो बोले नहीं नहीं हटा सकते. प्रणय जी, दो लाइन सिर्फ बोलना जरूरी है. एक तो ये कि मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, इलीगल मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई एनक्रोचमेंट कर रहा हो, सबको हटना ही चाहिए, इसमें कोई बट नहीं होना चाहिए, एक जैसा कानून लागू होगा. कहीं पर किसी की आस्था है तो उसका सम्मान करके उसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है. लेकिन जब एक कम्युनिस्ट कहता है कि नहीं नहीं मस्जिद तो जहां थी वहीं रहेगी, तब थोड़ा सा संदेह हो जाता है. विवेक भाई तो कम्युनिस्ट हैं, ये तो मानते ही नहीं, तो रिलीजन्स को कहां, आप एक बात करिए, ये तो हर डिबेट में कहते हैं, तो रिलीजन तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल धर्म अफीम मानने वाले लोग हैं, और अभी अचानक ये कह रहे हैं कि ना ना मस्जिद तो जहां थी वहीं रहेगी. इन्हीं लोगों ने इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में सारा विवाद खड़ा किया है. मुसलमान समझने को तैयार भी हो तो ये मानने को तैयार नहीं. और ये तो मैं उसमें बस एक ऐड करना चाहता हूं, एक लाइन, ये तो कांग्रेस को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं कि कपिल मदान भी शर्मा जाए. ये तो कह रहे हैं कि किसी बड़बोले ने बोल दिया, और एक मंत्री नहीं है, दो मंत्री हैं. तो अब आप विवेक जी फिर से एक बार सोच के बोलिए, कांग्रेस, आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, ओवैसी इज कॉलिंग द कांग्रेस पार्टी कम्युनल, सेइंग द कांग्रेस इज परपेचुएटिंग हेट, डू यू अग्री विद व्हाट ओवैसी सेइंग? यस, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. राइट नाउ द इंडिया अलायंस
and the Congress party stand for preserving the secular authority of the constitution. So if you don't agree with Ovaisi, Vivek bhai, one minute. If you don't agree with Ovaisi, then you are backing the minister that the mosque is illegal. यही दो ऑप्शन है. Yes. Absolutely not. अरे तो दो ही ऑप्शन है, उसमें दोनों में absolutely not कैसे चलेगा? कांग्रेस पार्टी और सरकार का दो क्यों है ऑप्शन सर? दो क्यों ऑप्शन? मैं एक एथिस्ट हूं, लेकिन मैं ये थोड़ी ना पसंद करूंगा कि भगवा पहन के हजारों की भीड़ आके मस्जिद को घेर ले. एथिस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि आप सवाल का जवाब गलत ताली पे पीटे कि इलीगल स्ट्रक्चर है. हर्षवर्धन जी, मैंने गलत क्यों दिया मैंने जवाब सर? मिनिस्टर ऑथराइज नहीं है. कमाल है भाई, क्या विवेक भाई, आप भी इतना भी न जाइए कि साफ साफ दिख रहा है, लोग भी देख रहे होंगे आपको. ऐसे मत कीजिए आप, तो मतलब थोड़ा तो लॉजिक वगैरह देते हैं तो अच्छे लगते हैं. इस तरह की बात करेंगे तो बड़ा गड़बड़ होगा.